करनाल में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरुद्ध बिजली कर्मचारी एकजुट होना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से बिजली विभाग के कर्मचारी उखड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर पहुंचकर बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया गया। करनाल के सेक्टर 12 स्थित बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय में भी बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरुद्ध गेट मीटिंग की गई। इस दौरान ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करने की जोरदार मांग उठाई गई। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी यूनियन के नेताओं का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से जो कर्मचारी दूरदराज के स्थानों पर स्थानांतरित किए जाएंगे वह ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लाइन लॉस व डिफॉल्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसीलिए डिपार्टमेंट को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को अन्य विभागों में तो लगाया जा सकता है, परंतु बिजली विभाग में यह कार्य नहीं हो सकता। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली कर्मचारी बिजली के खंभों पर चढ़कर कार्य करते हैं, जिसमें ज्ञान का भी जोखिम बना रहता है, इसीलिए सरकार को बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो आने वाले समय में वह कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार के खिलाफ ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। किस तरीके का कौन सा ग्रुप, किस तरीके का सेंडरी, किस तरीके की बन रही है, लेकिन जब उनकी भी पत्नी होगी उनको भी काफी समय लगेगा इन चीजों को समझने में कि कौन सा ग्रुप इस लेजर में आएगा, कौन सी लाइन लेजर के अंदर। तो मतलब इन सारी चीजों को लेकर इसका विरोध है और सरकार लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए, ताकि जो हमारे मेन मुद्दे है, मेन मकसद है हमारे, उनसे हमारा ध्यान भटके, हमारा मेन लड़ाई जो सरकार। आज का ये जो गेट मीटिंग है हमारे डिपार्टमेंट में, बिजली बोर्ड ने ऑनलाइन पॉलिसी लागू करी है, जो जिसके तहत कह रहे कि अक्टूबर में ऑनलाइन पॉलिसी से ट्रांसफर करेंगे, जबकि हमारा डिपार्टमेंट है बाकी डिपार्टमेंटों से थोड़ा हा अटके है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का काम ऐसा है कि एक एक्सपीरियंस के आधार पर काम करता है। एक साथी कोई लाइन मैन है किसी एरिया में वो काम कर रहा है तो उसको पता होता है लाइनों का, भाई इस पोल पे इधर से भी लाइन आई है, इधर से भी आई है, इधर से भी आई, तो वो उसको बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ता है। हमारे डिपार्टमेंट में तो वैसे ही हर साल सैकड़ों मौतें हो जाती हैं, काम करते हुए करंट लग जाता है, बहुत से साथी झुलस जाते हैं, और अगर ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी तो बहुत है हादसे बढ़ जाएंगे और पब्लिक को भी परेशानी होगी। किसी भी लाइन की ब्रेकडाउन होती है, जो साथी होते हैं उनको पता होता है भाई कहाँ पेड़ लग रहे हैं, कहाँ पे फॉल्ट है, वो जाके तुरंत दुरुस्त कर देते हैं, और अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी तो दूसरे एरिया में जाके उनको पता नहीं लगेगा कि भाई कहाँ से बिजली आ रही है, कहाँ से जा रही है। इसलिए इसके विरोध में पूरे हरियाणा में आज यूनिट स्तर पर गेट मीटिंगें की जा रही हैं और एक्शनों के माध्यम से MD को, ACS को ज्ञापन दिया जाएगा कि ये हमारा डिपार्टमेंट है बाकी डिपार्टमेंटों से अटके है, तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि भाई ये ऑनलाइन पॉलिसी बंद करी जाए, अदरवाइज हमारे को कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। क्या नाम अपना? सतीश मान, पूर्व सर्कल सेक्रेटरी HVP। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।